लेबर कॉस्ट स्टार्ट किया था, आज हम उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े थे उन्हीं को हम आज न्यूमेरिकली देखेंगे कि किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन है। तो जिन स्टूडेंट्स को कल कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन बाकी रह गई थी, वो आज उनकी कन्फ्यूजन जो है वो इससे कवर हो जाएंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि कल से जब आपने क्लास में एंटर होना है तो आपने अपने नाम के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है, और नाम आप कंप्लीट लिखें। कुछ लोग अपनी डिवाइसेस के नाम से आ जाते हैं तो फिर वो अटेंडेंस में मसला होता है, इसलिए आप अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ क्लास में एंटर हो। ओके, कल हमने लेबर के रेम्यूनरेशन मेथड्स को डिस्कस किया था, और उनमें हमने सबसे पहला मेथड जो है वो पीस रेट सिस्टम को डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा कि एक वर्कर को हम पे करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और उसमें तीन मेथड्स थे, स्ट्रेट पीस वर्क, डिफरेंशियल पीस वर्क एंड पीस वर्क विद गारंटी। ये जो आपको एक फाइल नजर आ रही है, लेबर कॉस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3, ये टोटल 20 एक्टिविटीज हैं। ये आज मैं आपको क्लास के बाद गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा, तो ये पेज आप तक पहुंच जाएगा। इन 20 एक्टिविटीज में जितने भी लेबर से रिलेटेड हमने कल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो कवर होंगे, और कुछ चीजें हम आज डिस्कस करेंगे वो भी कवर होंगी। एक्टिविटी 1 को देखते हैं। जॉन इज पेड फॉर $4 फॉर एवरी यूनिट दैट ही प्रोड्यूसेस, बट ही हैज गारंटीड वेज ऑफ $40 पर डे। अब देखिए, क्वेश्चन में उसने गारंटी दे दी कि पर डे उसको $40 मिलेंगे। इन अ पर्टिकुलर वीक ही प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग, मंडे को उसने ये प्रोडक्शन की, ट्यूजडे को ये, वेनेसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये। कैलकुलेट द जॉन्स वेजेस। अब इसका मतलब है कि ये इसके यूनिट्स हैं, अगर मैं इसको पर यूनिट्स रेट से मल्टीप्लाई करूं 4, तो $48 बनेंगे, 56 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 56 और 32। ये स्ट्रेट पीस वर्क है कि हर यूनिट का $4, तो स्ट्रेट है, लेकिन इसमें गारंटी भी है। गारंटी जो है वो हर दिन की 40 है, पर डे गारंटी कितनी है 40। अब इसकी पेमेंट कितनी बनेगी, तो हमें पता है, कल हमने सीखा था कि जो ज्यादा होता है वो पे करेंगे, तो मंडे को इसको 48 मिलेगा, ट्यूसडे को 56 मिलेगा, लेकिन वेनेसडे को उसको $40 मिलेंगे क्योंकि उसकी अपनी वेजेस 36 बनी थी, देन 56 और ये भी 40। तो इनका आप टोटल कर लें, ये इसकी वीकली वेजेस होंगी, यही आपसे पूछा था। तो ये देखें, कल वाला कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया। जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहली एक्टिविटी जो है ये समझ आ गई होगी, एक्टिविटी 1। जी शाबाश, आप लोगों ने तो आंसर भी भेज दिए थे, वेरी गुड। अब जिनका इसके मुताबिक आंसर आ गया है वो बिल्कुल ठीक है, और जिन्होंने कोई गलती की है, क्योंकि आंसर 2-3 तरह के आए हैं, तो जिन्होंने गलती की है उनको अपनी गलती का पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर डे गारंटी दी हुई थी कि $40 देने हैं, तो हर रोज को कंपेयर किया, जहां पे जिस दिन उसकी पैसे $40 से कम बने उस दिन हमने उसे 40 देने, तो ये इसका आंसर है। एक्टिविटी नंबर 2, पेमेंट बाय रिजल्ट्स रेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोस। अब ये देखिएगा, कहता है अगर आप प्रोडक्शन करेंगे अप टू 99 तो आपको ये रेट लगेगा, अगर आप 100 से लेके 119 तक प्रोडक्शन करेंगे तो $2 है, 120 से ऑनवर्ड जितने भी यूनिट बनाएंगे 2.25 है। इफ एन एम्प्लॉई प्रोड्यूसेस 102 यूनिट्स, हाउ मच
विल ही बी पेड, कहता है उसको कितना पे किया जाएगा. तो वेरी सिंपल एक्टिविटी टू, जो फर्स्ट 99 यूनिट्स हैं उनको आपने इसी रेट पे पे करना है. अब इसने 102 यूनिट बनाए हैं, तो 102 में से 99 माइनस करें तो इसके 3 यूनिट बचे, और वो जो अगले 3 यूनिट हैं वो इस रेट पे पे होंगे. तो ये $6 बन जाएगा. ये ऊपर वाला जो भी बनेगा इनका टोटल कर लें, ये इसकी वेजेस होंगी. बहुत आसान सवाल है ये भी. ये डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम का क्वेश्चन है. बेटा गूगल क्लास में ऐड करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि मेरे ईमेल एड्रेस पे ना आप लोग मुझे ईमेल करें, जो ऐड नहीं है वो मुझे ईमेल करें मेरे ईमेल एड्रेस पे. ईमेल एड्रेस पहले भी बताया हुआ है, दोबारा लिख देता हूँ. ayazfcma@gmail.com इस एड्रेस पे आप ईमेल कर दें, आपको ऐड कर दूंगा आज ही. ओके, एक्टिविटी 3 जी. अ पीस वर्क सिस्टम वर्क्स एज फॉलोस. $3.2 पर यूनिट अप टू 40 यूनिट्स, यानी 3.2 रेट लगेगा अगर प्रोडक्शन 40 यूनिट्स तक हुई. 3.5 रेट होगा अगर प्रोडक्शन 41 से 50 तक हुई, और 3.8 रेट होगा अगर प्रोडक्शन आपकी 51 से ज्यादा हुई, ओवर 51, यानी 51 से ऑनवर्ड जितनी भी प्रोडक्शन है उन पे रेट 3.8 लगेगा. देयर इज अ गारंटी वीकली वेजेस. अब आपने गारंटी भी दी हुई है कि हफ्ते का $120 तुम्हें जरूर मिलेगा. वन एम्प्लॉई हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द लास्ट 2 वीक्स. उसके पिछले 2 हफ्तों का डाटा दिया हुआ. वीक 1 में उसने 35 बनाए, वीक 2 में उसने 44 यूनिट बनाए. तो अब हमने बताना क्या है, व्हाट इज द एम्प्लॉईज ग्रॉस वेजेस फॉर वीक 1 एंड 2, यानी दोनों हफ्तों की वेजेस बतानी है हमने. तो अब हम सबसे पहले वीक 1 को देखते हैं. जो वीक नंबर 1 है इसमें इसकी प्रोडक्शन कितनी है, 35 यूनिट्स की. और क्वेश्चन कहता है कि अगर वो प्रोडक्शन 40 यूनिट्स तक करेगा तो 3.2 देंगे उसे. तो इट मींस इसने तो 35 यूनिट बनाए, 35 को आप 3.2 से जरब दे दें, इतने डॉलर जो है ये आपकी वेजेस बन जाएंगी. $35 × 3.2 = $112 बन गया जी. ये वीक 1 की वेजेस है. क्या आपने कोई गारंटी दी हुई है? यस, गारंटीड वेज वो कितनी है, $120 पर वीक. तो इसका मतलब है उसे कितनी पेमेंट होनी चाहिए, पेमेंट उसको 120 की होगी, क्योंकि उसकी अपनी वेजेस कम बनी थी तो हमने उसे एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी हुई है, तो 120 पे होगा. तो ये वीक 1 का सिनेरियो बन गया. अब वीक 2 को देखते हैं. वीक 2 में उसने 44 यूनिट्स बनाए हैं. अब क्वेश्चन कहता है कि जो पहले 40 यूनिट्स हैं उन पे रेट जो एप्लीकेबल है वो 3.2 होगा. तो 40 × 3.2 जब करेंगे तो वो आपका आंसर बनेगा 128. अब इसने बनाए थे 44, तो जो अगले 4 यूनिट हैं वो कौन से स्लैब में फॉल करेंगे, वो फॉल करेंगे 3.5 पे. 4 × 3.5 तो ये बनेगा 12.8. अब इसमें आप 128 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा जी 140.8. तो गारंटी कितनी थी,
गारंटी उसकी 120 थी, तो उसकी जो वेजेस होंगी वो यही होंगी वीक टू की। तो ये वीक वन और वीक टू जो है वो हमने कर लिया। अब कल मेरे से एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया था कि क्या सर गारंटीड पीस वर्क स्ट्रेट में भी आ सकता है, डिफरेंशियल में भी आ सकता है? तो देखें, आज हमने एक एग्जांपल की जिसमें गारंटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल में भी था। तो ये जी, इस तरीके से हमने वीक वन और वीक टू की वेजेस फाइंड की और फिर उसे वीकली गारंटी के साथ कंपेयर किया, क्योंकि गारंटी जो थी वो 120 पर वीक थी। तो हमने पहले वीकली वेजेस फाइंड की, फिर उसको गारंटी के साथ कंपेयर किया। जी, अगर आप वो आंसर में कोई फर्क आ रहा है तो वो आप मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आंसर आपकी मल्टीप्लाई करने से आएगा वो यही होगा। अगर कोई वो गलत लिखी गई है फिगर, उसका कोई मसला नहीं है, आप मल्टीप्लाई करें, वो 128 आता है। और इसी तरह 4 × 3.5 करें तो वो 14 आता है। ओके, ठीक है, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। और जब आपका ये ठीक हुआ, देन ये ग्रॉस वेजेस भी ठीक हो जाएंगे। जी, तो ये एक्टिविटी 3 जो है ये भी हमने कर ली। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 4 की। एन एम्प्लॉईज पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस एज फॉलोस, अप टू 100 यूनिट्स 2.4, 101 टू 120 2.7, 121 और मोर पर वीक 3। ओनली एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द हायर रेट्स एंड द रिजेक्टेड यूनिट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर द पेमेंट। अब कल मैंने आपको बात की थी कि इंस्पेक्शन में कुछ यूनिट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आज मैंने वो भी क्वेश्चन में डाल दिया कि अगर रिजेक्शन आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। अच्छा जी, इन अ वीक द एम्प्लॉई प्रोड्यूसेस 133 यूनिट्स ऑफ विच 11 वर रिजेक्टेड। हमने बताना क्या है, व्हाट वुड बी द एम्प्लॉईज ग्रॉस पे फॉर द वीक। अब आपको कल मैंने बताया था कि हम हमेशा पेमेंट जो करते हैं वो गुड यूनिट्स की करते हैं, क्योंकि हमने जो उसने गलत यूनिट बनाए हैं हमने उनकी पेमेंट नहीं करनी, तो हमें इसके गुड यूनिट्स देखने हैं। ये एक्टिविटी 4 बनेगी, आप लोग साथ साथ भी नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक्टिविटी 4, इसने टोटल प्रोडक्शन की 133 यूनिट्स की। और रिजेक्ट कितने होंगे? 11। तो इसका मतलब है इसकी गुड प्रोडक्शन कितनी हुई, हमने सिर्फ उतने यूनिट्स की पे करनी है जो गुड प्रोडक्शन है। तो गुड प्रोडक्शन जो है वो आपकी आ जाएगी 122 यूनिट्स की। तो हमने 122 यूनिट्स की वेजेस की पेमेंट करनी है। अब उनमें से जो पहले 100 होंगे वो तो 2.4 पे होंगे, जो फर्स्ट 100 हैं वो 2.4 पे होंगे, तो इट मींस $240 बन जाएगी। अच्छा, स्लैब क्या कहता है? स्लैब कहता है जो अगले 20 है 101 से लेके 120 तक जो है वो 2.7 पे होंगे, तो वो 20 यूनिट्स जो हैं वो आपने 2.7 पे कर देने हैं। और आपने टोटल 122 बनाए हैं, तो जो अगले 2 बचेंगे उन पे जो स्लैब रेट एप्लीकेबल है वो 3 है, तो ये आपका 6 बन गया। और 20 × 2.7 कर ले तो वो 54 बनता है। अब इन तीनों को ऐड कर ले 300, तो ये आपकी टोटल वेजेस जो हैं वो ये आ जाएंगे। जी, तो ये देख लें जी, ये हमने आज रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी अकाउंट फॉर कर लिया। अब इसमें ऑप्शन दी हुई थी ए बी सी डी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि इसकी 300 वेजेस बनेंगी। तो एमसीक्यूज में भी इसी तरीके से आपको सवाल आ जाएगा। जी, इस फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, चारों एक्टिविटीज को सॉल्व कर लिया।
एक्टिविटी 1, 2, 3, 4 बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा. ओके एक्टिविटी 5 एन एम्प्लॉयज पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस अप टू 30 यूनिट्स 8 31 टू 40 का रेट 8.6 40 से ज्यादा का रेट 9.3 ओनली एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द हायर रेट विद अ मिनिमम गारंटीड वेज ऑफ 220 पर वीक. तो यहां भी गारंटी आ गई इन वीक 22. अच्छा ये वीक 22 क्या चीज है आपको पता है कि साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं. तो वीक 22 का मतलब है साल का 22वां हफ्ता. जैसे आज अगर हम देखें तो कौन सा वीक चल रहा है तो आप कैलेंडर से देख सकते हैं, मोबाइल कैलेंडर में भी लिखा आ रहा होता है कि ये इस वक्त कौन से वीक में है हम. तो इसी तरह ये जो वीक 22 है इसका मतलब है साल का 22वां हफ्ता. ठीक है तो ये वीक का नंबर है. कुछ लोग इसको यूनिट्स के साथ मर्ज कर लेते हैं कि शायद ये 22 यूनिट थे, ये यूनिट नहीं थे, ये वीक 22 उस वीक का नंबर है. ही प्रोड्यूस्ड 36 यूनिट्स उसने 36 यूनिट बनाए एंड इन वीक 23 जो उससे अगला हफ्ता था उसमें उसने 24 बनाए. व्हाट इज द ग्रॉस पे फॉर द एम्प्लॉई फॉर द 2 वीक पीरियड. तो ये ऑलमोस्ट हमने पहले किया हुआ है, ये कॉपी क्वेश्चन ही है. आप इसका वीक 1 और वीक 2 की कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे. वीक 1 में 36 यूनिट है और वीक 2 के जो है वो 24 है. और आपने ये गारंटी का भी ख्याल रखना है तो ये आपने खुद से करना है, ये होम असाइनमेंट होगी आपकी. एक्टिविटी 6 A company has 24 employees who are paid a basic hourly rate. अब hourly based system आ गया जी. पहले तक पहली 5 activities हमने piece work system की. अब hourly based system भी कल पढ़ा था, अब उसकी revision कर लेते हैं. A company has 24 employees who are paid basic hourly rate of 6 per hour for a standard 38 hour week. अब बच्चों इस लाइन का मतलब समझ लें. ये तो आ गया जी बेसिक रेट फॉर अ स्टैंडर्ड 38 आवर वीक. इसका क्या मतलब है, कल बताया था ना कि आपने जब भी इंप्लॉय को पर आवर वेजेस पे हायर करना है तो आपने उसका नॉर्मल वर्किंग टाइम बताना है. तो ये जो है ये इसके नॉर्मल आवर्स है, यानी तुमने एक हफ्ते में 38 आवर्स काम करना है, ये उसके नॉर्मल आवर्स है. With any overtime being paid at a rate, overtime का जो rate होगा वो क्या होगा, at a rate and a half. और rate and a half का मतलब मैं आपको कल समझा चुका हूँ कि rate का मतलब है basic rate plus half, basic rate का half. यानी जो भी basic rate है वो भी pay होगा. तो अगर मैं यहाँ पे overtime rate निकालना चाहूँ तो overtime rate आ गया basic rate plus basic का half. मुझे कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओवरटाइम पेड एट अ रेट एंड अ हाफ. तो अब बेसिक रेट कितना है इस सवाल में, 6 है और 6 का जब हम हाफ करेंगे तो वो 3 आएगा. तो ओवरटाइम का रेट आ गया $9 पर आवर. यानी जब बंदा ओवरटाइम करेगा तो हम फिर 6 रुपए के हिसाब से पे नहीं करेंगे, हम उसे 9 रुपए के हिसाब से पे करेंगे. तो इसीलिए ये हो गया ओवरटाइम रेट. In a typical week, the employees all work 4 hours overtime. यानी जितने भी worker थे सब ने 4 घंटे overtime किया and produces 2500 units और उन्होंने 2500 units बनाए. What is the total unit labor cost? अब हम उस पर बाद में आएंगे, unit labor cost को बाद में देखते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन से लेबर की कॉस्ट फाइंड करते हैं. देखें नॉर्मल आवर्स, एक बंदे ने एक वीक में 38 आवर्स काम करना था और एक बंदे ने एक वीक में कितने आवर्स का ओवरटाइम किया, 4 आवर्स का. इसका मतलब यह हुआ
कि ये जो 38 आवर्स हैं इनको पे करना था 6 रुपए के हिसाब से और इनको पे करना था 9 रुपए के हिसाब से। अब आपको पता है ये 6 और 9 क्या है, क्योंकि आपको मैं कैलकुलेशन करवा चुका हूँ। बेसिक रेट 6 है और आपका ओवरटाइम का रेट 9 है। अब हम 38 × 6 जब करेंगे तो वो आएगा 228 और प्लस 36 करेंगे तो वो बनेगा 264। अब बच्चों ये एक बंदे की वेजेस आई हैं, एक वर्कर को वेजेस ऑफ अ वर्कर। अब इस सवाल में कितने वर्कर हैं ये लिखा हुआ है, 24 एम्प्लॉइज। इसका मतलब है कि अगर मैं टोटल वर्कर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इस कंपनी की टोटल वेजेस आ जाएंगी, क्योंकि हर बंदे ने इतना इतना अर्न किया तो इसकी टोटल वेजेस बनानी है। तो इसको मैं क्या करूं, 24 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसको जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी लेबर कॉस्ट बन जाएगी 6336। अच्छा, इन्होंने क्यों इतना काम किया, इन्होंने टोटल यूनिट्स बनाए, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इन्होंने कितने यूनिट बनाए वो भी लिखा हुआ है, कहता 2500 यूनिट बनाए इन्होंने। इसका मतलब है पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, पर यूनिट कॉस्ट फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाता है। अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, 6336 डिवाइडेड बाय 2500, ये डॉलर है, ये यूनिट्स हैं, तो आंसर आ गया डॉलर पर यूनिट। तो ये आप निकाल लें, ये इसका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब हमने ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी, तो कौन सी ऑप्शन है जो हमारे आंसर के साथ मैच करती है, ए ऑप्शन 2.53। तो देखें ये ऑर्ली बेस्ड सिस्टम का सवाल था, उसने बस आखिर पे आके एक नई चीज ऐड की है, वो मैं आपके आपको दोबारा पूरा सवाल समझा देता हूं, गौर से सुनिएगा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई है। उसने कहा कि एक कंपनी है उसके पास 24 एम्प्लॉइज हैं और वो सारे के सारे आवरली बेस सिस्टम पे काम करते हैं, उनके नॉर्मल आवर्स 38 हैं, हर बंदे ने 4 घंटे का ओवरटाइम किया है, ओवरटाइम अगर करेंगे तो हम पे करेंगे बेसिक रेट प्लस बेसिक का हाफ। तो हमने क्या किया, हमने उनके नॉर्मल आवर्स की वेजेस फाइंड की, ओवर टाइम आवर्स की वेजेस फाइंड की, दोनों को ऐड किया तो ये एक बंदे की वेजेस आ गई। अब इसके पास 24 एम्प्लॉइज हैं तो 24 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गई उसकी टोटल वेजेस। अब टोटल यूनिट्स उन्होंने कितने बनाए थे, 2500, और नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड किया तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब हमने क्यों डिवाइड किया पर यूनिट कॉस्ट के लिए, क्योंकि उसने पूछा था हमसे पर यूनिट कॉस्ट, अगर वो हमसे वेजेस पूछता तो ये आंसर होना था, लेकिन उसने हमसे पर यूनिट कॉस्ट पूछी है तो उसने यूनिट बता दिए तो हमने यूनिट से डिवाइड किया तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई और जो हमारा सूटेबल ऑप्शन था हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। जी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ओके जी। एक्टिविटी 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट यूज ऑफ क्लॉक कार्ड। जी बच्चों क्लॉक कार्ड क्या चीज है, क्लॉक तो आप समझते हैं ना, घड़ी होती है, वॉच, क्लॉक कार्ड। आप जब ऑफिस आते हैं तो टाइम इन और टाइम आउट होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप 9 AM पे आए और 5 PM पे आप चले गए, इट मींस आपका जो टाइम इन आउट है वो जहां पे होता है उस चीज को कहते हैं क्लॉक कार्ड। यानी क्लॉक कार्ड क्या है, कार्ड मीन अ डॉक्यूमेंट, क्लॉक कार्ड इज अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द टाइम इन एंड टाइम आउट।
और कल हमने एक और चीज डिस्कस की थी टाइम शीट। तो टाइम शीट तो ये था कि उसका काम कहाँ कहाँ पे लगा। मसलन एक बंदा आया ऑफिस में, 8 घंटे उसने काम किया। अब इन 8 घंटों में उसने 2 घंटे कहाँ पे काम किया, 3 घंटे कहाँ पे काम किया और 3 घंटे कहाँ पे काम किया। ये बनते तो 8 ही हैं, लेकिन इन सब की रिकॉर्डिंग उसे कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी टाइम शीट से। तो टाइम शीट ये बताती है हाउ द वर्कर्स टाइम इज स्पेंट व्हेन ही इज ऑन द जॉब, यानी जब वो काम पे आया तो उसने कहाँ कहाँ काम किया, ये जानना है तो टाइम शीट से पता चलेगा। वो कितने बजे आया और कितने बजे गया ये जानना है तो वो पता चलेगा क्लॉक कार्ड से। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में इन 4 ऑप्शन में से मोस्ट रेलिवेंट यूज ऑफ क्लॉक कार्ड क्या है। जी मैं आंसर्स देखता हूं। अच्छा जो चीज मैं फील करता हूं ना कि स्टूडेंट को ना इंग्लिश समझ नहीं आती, उसे कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है लेकिन जब वो आंसर बताता है ना तो वो उसकी वर्डिंग नहीं समझ पाता, जिसके लिए मैं चारों ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस भी करता होता हूं। तो आप लोग बेटा अपनी ना इस चीज को फोकस करें, आपको आता सारा है लेकिन अगर आप इंग्लिश अच्छी अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप गलत टिक करेंगे, और जब आप गलत टिक करेंगे तो कंप्यूटर तो टिक के मुताबिक आपको नंबर देगा ना। अब आप सब लोगों को पता है कि क्लॉक कार्ड ये बताता है कि वो कितने बजे आया कितने बजे गया। अब आपने इन 4 में से सेलेक्ट करना है। ए ऑप्शन कहता है टू मेजर द एम्प्लॉई एफिशिएंसी। क्या ऐसी कोई बात हुई थी कि एफिशिएंसी तो चीज ही कुछ और होती है, ये तो बिल्कुल इररेलीवेंट है। तो जिन्होंने ए मुझे कहा है वो देख ले उन्होंने कितना गलत जवाब दिया। टू फैसिलिटेट द पेमेंट फॉर टाइम स्पेंट ऑन द वर्क प्रीमिसेस, कहते हैं जहां पे उसका काम है वो कितनी देर के लिए आया। तो टाइम इन टाइम आउट यही होता है ना कि कितनी देर के लिए वो आया है। तो इसका मतलब है ये आंसर ठीक लग रहा है, लेकिन चले हम सी और डी भी पढ़ लेते हैं। टू अलाउ द लेबर टाइम टू बी चार्ज्ड फॉर इंडिविजुअल जॉब, तो वो तो टाइम शीट है कि कितना कहां टाइम कहां लगाया, वो कहां से मिलता है आंसर, वो टाइम शीट है। तो ये सी ऑप्शन तो गलत है। टू अलाउ कैलकुलेशन फॉर बोनस पेमेंट, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, बोनस पेमेंट के हवाले से यहां से कुछ नहीं मिलेगा। सो द राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। तो आप देखें सिर्फ चंद लोगों ने बी ऑप्शन भेजा, बाकियों ने ए सी, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से समझें। चलें जी अब एक्टिविटी 8 की तरफ आते हैं। एक्टिविटी 8, An employee's paid an hourly rate of 7 for a 36-hour week. ये 36-hour week क्या चीज़ है? ये वो normal hours है। यानी इस बंदे ने 36 घंटे काम करना था एक हफ्ते में। With any overtime hours paid at time and a half, जो overtime होगा वो कितने पे pay होगा? Time and a half. Time का मतलब क्या है? Basic rate and a half, basic का आधा। During week 22, the employee worked for 41 hours. अच्छा अब इसमें ये कुछ अगली बात भी है, इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन पहले हम इसकी ग्रॉस वेजेस फाइंड करते हैं। एक्टिविटी नंबर 8 में आपको करवाने लगा हूं।
ये ऑर्ली बेस्ड सिस्टम है। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ऑर्ली बेस्ड सिस्टम में हमने जब वेजेस फाइंड करनी है तो हमने कैसे फाइंड करनी है, फॉर्मूला एक लिखा था कि उसकी नॉर्मल वेजेस पता होनी चाहिए और प्लस उसकी ओवर टाइम की वेजेस पता होनी चाहिए। अब जो नॉर्मल वेजेस हैं वो हमें पता है कि वो इक्वल होती हैं नॉर्मल आवर्स इनटू नॉर्मल रेट या बेसिक रेट, और ओवर टाइम की वेजेस होती हैं ओवर टाइम आवर्स इनटू ओवर टाइम रेट। अब इस क्वेश्चन से ये चार चीजें ढूंढनी है, जिनको ये चार चीजें मिल गई उनको मसला ही कोई नहीं जी। नॉर्मल रेट तो 7 है और नॉर्मल आर 36 है, तो ये तो काम आसान हो गया। 36 इंटू 7 प्लस ओवर टाइम आवर्स, कहीं लिखा है उसने लिखा है कि 41 आवर्स उसने काम किया, तो ओवर टाइम आवर्स कितने बने, ये भी कल आपको सिखा दिया था कि जो ओवर टाइम आवर्स होते हैं वो कैसे फाइंड होते हैं, एक्चुअल आवर्स माइनस नॉर्मल आवर्स। एक्चुअल आवर्स 41 उसने काम किया, नॉर्मली उसने 36 काम करना था, तो 5 आवर्स का ओवर टाइम होगा, तो ओवर टाइम आवर्स 5 हो गए। अब ओवर टाइम का रेट क्या होगा, और उसके लिए क्वेश्चन कहता है कि बेसिक रेट प्लस बेसिक का हाफ। तो बेसिक रेट इस सवाल में 7 है, प्लस 7 का हाफ किया 3.5 आ गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10.5 आ रहा। तो देखें ओवर टाइम आवर्स भी मिल गए और ओवर टाइम रेट भी मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें 252 आता है, और 10.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ तो वो 52.5 आता है, और इनको जब हम टोटल करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 304.50। ये उसकी ग्रॉस वेजेस हुई जी। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अभी डिस्कस कर ले, ये मैंने आपको एक्टिविटी 8 से ग्रॉस वेजेस फाइंड करके बताई है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है नेट वेजेस, नेट पे, व्हाट इज द एम्प्लॉइज नेट पे। तो नेट पे मैं आपको अभी सिखाने लगा हूं कि ये नेट पे क्या चीज होती है। ग्रॉस वेजेस तक हमने कल पढ़ा था, हमने आज उसको आते ही सबसे पहले रिवाइज किया, हमने उसके 8 छोटे छोटे सवाल किए। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने लगा हूं नेट वेजेस का। तो नेट वेजेस जो हैं वो अब क्या होंगी वो मैं आपको बताने लगा हूं। नेट वेजेस इक्वल टू ग्रॉस वेजेस माइनस ऑल डिडक्शंस। होता यह है कि जब वर्कर अर्न करता है तो जो इंप्लॉयर होता है, इंप्लॉयर वो बंदा है जो पे करेगा आपको आपके काम का, तो एम्प्लॉयर जो होता है वो कुछ पैसे आपके काट लेता है। तो जितना भी उसने अर्न किया होगा, जैसे इस सवाल में उसने अर्न किया 304.5, अब उसमें से उसके कुछ डिडक्शंस हो जाएंगी, वो डिडक्शंस लेस हो करके जो बाकी बचेगा, जो पैसे वो एक तरह से समझे जो पैसे वो घर लेके जाएगा वो नेट वेजेस हैं, या जो पैसे उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे वो नेट वेजेस हैं। अच्छा, डिडक्शंस क्या होती हैं? अब मैं आपके साथ डिडक्शंस को डिस्कस करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। डिडक्शंस एक तो पैसे कटते हैं प्रोविडेंट फंड के,
इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। अच्छा, प्रोविडेंट फंड होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक रूल बनाया होता है कि आपके इतने पैसे हर महीने कट जाया करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं समझाने की खातिर लिख लेता हूं कि 10% ऑफ ग्रॉस वेजेस, यानी जितनी आपकी ग्रॉस वेजेस होंगी उसका 10% आपका प्रोविडेंट फंड कट जाया करेगा। समझाने के लिए लिखा है 10%, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ये जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, मसलन एक बंदा 1000 कमाता है तो 1000 का 10% जो है वो उसका हो जाएगा $100। अब ये $100 इंप्लॉय के कटे हैं। जो इंप्लॉयर है ना, ये पैसे किसके कटे हैं? इंप्लॉय के। इंप्लॉय के 100 रुपया आपने काट लिया उसकी तनख्वाह में से। जितने पैसे इंप्लॉय के कटते हैं, इंप्लॉयर भी उतने पैसे ही देता है। इंप्लॉयर ने भी 100 दे दिया। इसका मतलब है कि आपकी तरफ से 200 रुपया जमा हो गया प्रोविडेंट फंड। जी, प्रोविडेंट फंड समझ लें कि प्रोविडेंट फंड एक डिडक्शन होती है। जो इंप्लॉय की तनख्वाह में से पैसे कट जाते हैं उसका कोई रूल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में वो वेरी करता है। कुछ लोग ग्रॉस पे लेते हैं, कुछ बेसिक पे ले लेते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके पॉलिसी के मुताबिक जो भी रेट होगा, 10%, 5%, 20%, जो भी रेट हुआ, जितने पैसे इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा सेम उतने पैसे इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये पैसे आपकी तरफ से एक अकाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं, उस अकाउंट का नाम है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उस पर रिटर्न आता है। यही काम हर महीने होते 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 ये पैसे काफी बन जाते हैं, और जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तो आपको वो पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो डिडक्शन है आपकी सैलरी में से होगी या वेजेस में से होगी, उस डिडक्शन को कहेंगे प्रोविडेंट फंड। आपने याद क्या रखना है स्टूडेंट लेवल पे? आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्रोविडेंट फंड है, जितना इम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा इम्प्लॉयर भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो इम्प्लॉय के पैसों में से हमने एक तो डिडक्शन कर लेनी है उसकी, प्रोविडेंट फंड की। दूसरी डिडक्शन हम करते हैं इनकम टैक्स की। आप सब लोगों को पता है कि इनकम टैक्स क्या चीज है, कि जब सेल इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, हमारे यहां तो ये रूल है कि एक सर्टन लेवल तक आप कमाते हैं उसके बाद टैक्स लगता है। जैसे पाकिस्तान में जिस बंदे की 6 लाख सालाना तनख्वाह है, 6 लाख तक की इनकम को कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 6 लाख से ज्यादा अर्न करते हैं तो फिर टैक्स है। लेकिन यूके में आपने $1 भी कमाया ना तो उस पर भी टैक्स है, यानी 6 लाख तो बहुत दूर की बात है, $1 पे भी टैक्स है। तो इसलिए यूके में इनकम टैक्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ना, वो है पे ई, PAYE। ये क्या बनता है? पे एज यू अर्न। ये उनका एक टैक्स है। ये कहता है कि आप पे करें क्योंकि आप कमा रहे हैं। इसकी लॉजिक क्या है? पे एज यू अर्न, यानी आप हमें पे करेंगे क्योंकि आप कमा रहे हैं। बेशक $1 है तो वो $1 पे कुछ पैनी टैक्स ले लेंगे, तो जितनी भी अर्निंग है उस पे वो टैक्स होगा। तो अगर आप कहीं क्वेश्चंस में पे का वर्ड यूज देखें तो वो वही है जो हमारे यहां इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है, यानी ये एक सॉर्ट ऑफ टैक्स है, पे ई, पे एज यू अर्न। अच्छा, तीसरी चीज इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। यूके में एक कॉन्सेप्ट है नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। पाकिस्तान में भी इंश्योरेंस करवाई जाती है इंप्लॉयज की, इसको NIC कहते हैं। मैं आपको इसका भी नॉलेज दे देता हूं, क्योंकि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो अक्रॉस द ग्लोब एक ही है। नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, वहां पे ये रूल है कि हर बंदा जो जॉब पे है ना उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि कल को उसे ड्यूरिंग
जॉब कुछ हो जाता है तो हमारा कोई नुकसान ना हो, हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेके पे कर दें, उस बंदे की इंश्योरेंस होती है तो उस इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान में भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस करवाती है इंप्लॉयज की, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्रुप इंश्योरेंस प्लान लिए होते हैं, तो अगर वो इंप्लॉय पे करे तो वो डिडक्शन में आ जाएगा, और अगर इंप्लॉयर पे करे तो वो फिर डिडक्शन में नहीं आएगा। तो नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय इंप्लॉय दोनों भी पे कर सकते हैं, जैसे यूके में दोनों पे करते हैं, इंप्लॉयर भी पे करता है इंप्लॉय भी पे करता है। तो जो नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन या इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन आपका इंप्लॉय पे करेगा वो भी डिडक्शन है। तो इट मींस जितनी भी डिडक्शंस हैं जो इंप्लॉय की तनख्वाह में से पैसे कटने हैं वो अगर माइनस कर दिए जाएं ग्रॉस वेजेस में से तो वो कहलाएगा नेट वेजेस। अब हम आते हैं अपने सवाल पे वापस। एक्टिविटी 8 ये है जी, इनकम टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर द पे सिस्टम वाज 55। इनकम टैक्स हमने कितना काटना है 55। एनआईसी फॉर द वीक 28। तो बस दो डिडक्शंस हैं, एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन एक इनकम टैक्स, तो इन दोनों को माइनस कर दें, एक 55 है और एक 28 है। तो यहां लिखेंगे माइनस 55 माइनस 28। तो अगर हम ये लेस कर दें तो ये कितना बनेगा, यही इसकी नेट वेजेस है। टू टू 1.5। तो ये जी नेट वेजेस का कॉन्सेप्ट है। इस सवाल में प्रोविडेंट फंड का जिक्र नहीं था, देखें इस क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड का जिक्र नहीं है, अगर होता तो वो भी लेना था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वर्ड वहां पे यूज किया था ऑल डिडक्शंस, यानी जितनी भी डिडक्शंस होनी है उतनी लेनी है। तो मैंने आपके साथ तीन एग्जांपल्स डिस्कस की जो नॉर्मली हर इंप्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट हो रही होती है, प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स और इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। अगर आपका इंप्लॉयर इंश्योरेंस देता है तो फिर आपकी इंप्लॉय की नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये किस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है जी। ग्रॉस वेजेस और नेट वेजेस का कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। ओके अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं, ये भी आपकी तवज्जो चाहिए जी। लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर आप सारे लोग इसकी ट्रांसलेशन करें और अपने जहन में इसका मतलब समझें कि ये क्या कहना चाह रहा है ये वर्ड लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। खुद से सोचें जरा कि क्या आप इसके मतलब को पिक कर गए। ओके अब मैं आपको बताता हूं जी, लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर का मतलब है कि एक इंप्लॉई इंप्लॉयर को कितने में पड़ा है, यानी इंप्लॉयर ने
कितने पैसे बियर किए हैं इस इंप्लॉई के लिए। तो जो लेबर कॉस्ट ऑफ द इंप्लॉयर है वो एक तो इक्वल होगी ग्रॉस वेजेस के, क्योंकि इंप्लॉयर ने इतने पैसे दिए। प्लस इंप्लॉयर ने इसका प्रोविडेंट फंड भी दिया, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय इंप्लॉयर। मैंने अभी बताया था ना कि इंप्लॉय भी देता है उतने पैसे, इंप्लॉयर भी देता है। तो पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय इंप्लॉयर प्लस एनआईसी पेड बाय इंप्लॉयर, इंश्योरेंस इंप्लॉयर भी देता है। पाकिस्तान में नॉर्मली इंप्लॉयर ही दे रहा होता है सारे इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस जो है वो इंप्लॉयर पे करता है। प्लस एनी अदर कॉस्ट पेड बाय इंप्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ इंप्लॉई। यानी क्या क्या ऐड कर लो, ग्रॉस वेजेस प्लस प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉय प्लस इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉय प्लस एनी अदर कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो एम्प्लॉय के बच्चों की फी भी देती हैं, तो वो जो स्कूल फी एम्प्लॉयर ने पे की है आपकी तनख्वाह के अलावा वो भी आप पे खर्चा हुआ है। इसी तरह कुछ कंपनियां इंप्लॉय को घर रेंट पे लेके दे देती हैं, तो वो रेंट भी कंपनी पे कर रही है वो भी। फिर कुछ कंपनियां मोबाइल का बिल पे करती हैं तो वो भी। तो मैंने जनरलाइज कर दिया, यानी एनी अदर कॉस्ट पेड बाय इंप्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ इंप्लॉय तो वो भी आपकी कॉस्ट बनेगी, इंप्लॉयर की कॉस्ट बनेगी। ये मैंने यहां पे लिख भी दिया है, लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज द सम ऑफ ऑल कॉस्ट दैट एन एम्प्लॉयर हैज टू बियर फॉर एन एम्प्लॉय। यानी ये उन सारी चीजों का सम है जो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर ने बियर किए। विल बी इक्वल टू ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर एनआईसी प्लस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन यानी प्रोविडेंट फंड जिसको मैं कह रहा हूं, एनी अदर कॉस्ट बॉर्न बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एक्टिविटी 9 देखते हैं। द नेट पे ऑफ एन एम्प्लॉय इज, नेट पे इतनी है, पे इतना, एनआईसी इतना। एम्प्लॉयर्स एनआईसी फॉर द वीक 31 है। व्हाट इज द लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। अब हमने इसका जो जवाब है हमने पढ़ा कि जो लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर है वो किसके इक्वल होती है, ग्रॉस वेजेस के प्लस एनआईसी पेड बाय एम्प्लॉयर। तो सवाल में ये तो नजर आ रहा है 31, ये लिखा हुआ है एनआईसी फॉर द वीक 31, ग्रॉस वेजेस नहीं है। अब हमने पिछले पेज पे पढ़ा नेट वेजेस किसके बराबर होती हैं, ग्रॉस वेजेस माइनस डिडक्शंस, और डिडक्शंस कौन सी। अब सवाल के अंदर उसने 225 नेट वेजेस बताई हैं, ग्रॉस वेजेस नहीं पता, वो यहां से निकलेंगी। डिडक्शंस किस किस चीज की, पे की, एनआईसी की, तो 55 पे ही चला गया, 28 की एनआईसी पे हो गया, तो यहां से ग्रॉस वेजेस निकाल लें। 225 प्लस 55 प्लस 28
इज इक्वल टू ग्रॉस वेजेस. तो ग्रॉस वेजेस का आंसर जी 308. ओके इसका मतलब है कि ग्रॉस वेजेस कितनी आ गई 308. अब यहां पे लिखे 308 प्लस 31 तो कितना बना 339. तो ये है जी लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉय. एक्टिविटी 9 लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉय. आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि वो ग्रॉस वेजेस में हर वो खर्चा आता है जो इम्प्लॉयर पे करे. तो ग्रॉस वेजेस पहले चाहिए तो वो नेट वेजेस दी हुई थी. हमने फॉर्मूला लिखा नेट वेजेस इज इक्वल टू ग्रॉस वेजेस माइनस डिडक्शंस. तो इनको अकाउंट फार करके हमने ग्रॉस वेजेस बना ली. जी तो ये जी इस तरीके से होगा. एक्टिविटी 10 एन एम्प्लॉयज पेड एट अर्ली रेट ऑफ 6.8 फॉर 40 आवर्स वीक विद एन ओवर टाइम पेड एट टाइम एंड अ हाफ ड्यूरिंग वीक 22 एम्प्लॉय वर्क फॉर 45 आवर्स. द इनकम टैक्स टू बी डिडक्टेड वाज 58 एम्प्लॉयज एनआईसी 31 एंड एम्प्लॉयर्स एनआईसी इज 34. वट इज द नेट पे. तो नेट पे आपको पता है कि ग्रॉस वेजेस माइनस डिडक्शंस. तो पहले आप ग्रॉस वेजेस बनाएंगे नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस करके जिस तरह हम पहले करते रहे हैं आर्ली बेस सिस्टम में. ग्रॉस वेजेस बनाए उसमें से डिडक्शंस लेस करें. कौन सी डिडक्शन जो इम्प्लॉय ने पे की है. तो इम्प्लॉय ने 31 पे किया जबकि इम्प्लॉयर ने कितना पे किया 34. तो इम्प्लॉयर वाला कहाँ पे यूज होना है लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर में और नेट में इम्प्लॉय वाला. तो ये आपकी होम असाइनमेंट है. एक्टिविटी 10 आप खुद करेंगे क्योंकि ये मैंने आपको करवा दिया. 11 भी आप खुद करेंगे क्योंकि इसमें भी क्या कहता है कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर बतानी है. एक्टिविटी 10 और 11 होम असाइनमेंट होगी. अब आप जरा 5 मिनट का ब्रेक करें ठीक है. पानी शानी पिए और फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं और फिर अगली बार डिस्कस करेंगे.
जी हम स्टार्ट करते हैं जी इसको दोबारा। हमने जब कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उस वक्त हमने बात की थी कि जो लेबर कॉस्ट होती है वो फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसका सवाल आता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बड़ा यूजेज है और अगले पेपर्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इनका इस्तेमाल है, तो इसलिए इसको बड़ी तवज्जो से समझना है आपने। लेबर कॉस्ट, हमें ये पता है कि लेबर कॉस्ट का मतलब है लेबर को जो पे करते हैं वो लेबर कॉस्ट है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जब हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी तो हमने ये तय किया कि जो कॉस्ट हम डायरेक्ट वर्कर्स को पे करते हैं और हमने इसको एक और भी तरीके से डिफाइन किया था, कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन। जैसे हमने शर्ट की एग्जांपल तब बात की थी, तो शर्ट में टेलर वो बंदा है जो शर्ट को स्टिच करता है, फिर एक बंदा इसको प्रेस करता है, फिर इसको पैक किया जाता है, तो वो लोग जो डायरेक्टली शर्ट पे काम कर रहे हैं उनको जो हम पे करेंगे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। और इसी तरह हमने इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डिफाइन किया था, कॉस्ट पेड टू इनडायरेक्ट वर्कर्स, यानी ये वो वर्कर्स हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट, सिक्योरिटी गार्ड, इन लोगों को भी तो हम पे करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। और फिर आपको ये भी याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट बनती है और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो ओवरहेड्स का पार्ट बनता है। ठीक है, ये सारी वो बातें थी जो हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर कवर करके आए कि लेबर कॉस्ट दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो है जो उन लोगों को पे की जाती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम करते हैं, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो होती है जो उन लोगों को पे करते हैं जो इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं, लाइक अकाउंटेंट, सिक्योरिटी गार्ड, सपोर्टिंग रोल वाले जो लोग हैं उनको जो पे होगा वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। और हमें ये भी पता कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट होता है, पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, और इसको हम कहां पे चार्ज करते हैं, वर्क इन प्रोसेस में। और जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो पार्ट ऑफ ओवरहेड्स है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है FOH। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो किस का पार्ट होती है, वर्क इन प्रोसेस का, FOH का, तो इनडायरेक्ट जो है वो FOH का पार्ट होता है और डायरेक्ट किसका पार्ट होता है, प्राइम कॉस्ट का या वर्क इन प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमने यही डिस्टिंक्शन करनी है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी होगी, इनडायरेक्ट कितनी होगी। तो एक तो सबसे पहला डिफरेंस ये हुआ कि जो डायरेक्ट वर्कर को पे करेंगे वो डायरेक्ट है और जो इनडायरेक्ट को पे करेंगे
वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। यानी कॉस्ट पेड टू डायरेक्ट वर्कर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट पेड टू इनडायरेक्ट वर्कर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। यानी वही पहली बात के डायरेक्ट को पैसे पे किए तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट को पैसे पे किए इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये तो सबको पता है। अब दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो सबको नहीं पता, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जब हम ओवर टाइम करवाते हैं, जब हम ओवर टाइम की बात करते हैं, तो आपने कभी सोचा है ये क्यों करवाया जाता है? ओवर टाइम करवाने की वजह क्या पेश आती है? देखो, अच्छा भला 9 to 5 8 hours का ड्यूरेशन है, 8 घंटे में बहुत काम हो सकता है, फिर क्या जरूरत आती है कि 8 घंटे से ज्यादा काम करवाने के लिए हम वर्कर को रोक लेते हैं? उसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, रीजंस ऑफ ओवर टाइम। जब रीजंस पता चल जाएंगी तो फिर मैं इस पॉइंट पे दोबारा वापस आऊंगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम करवाने की दो तरह की रीजंस हो सकती हैं। अवॉइडेबल और कंट्रोलेबल रीजंस और ओवर टाइम। ये वो रीजंस हैं जिनको एक मैनेजर कंट्रोल कर सकता है। अवॉइडेबल और कंट्रोलेबल, समथिंग अंडर कंट्रोल। यानी अब मैं वो रीजंस लिखूंगा जिनकी वजह से ओवर टाइम होता है, लेकिन वो रीजन कंट्रोल किए जा सकते हैं, तो इनको हम कहेंगे कंट्रोलेबल रीजंस। और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे उनको हम नाम देंगे अनकंट्रोलेबल रीजंस और अनअवॉइडेबल भी कह सकते हैं। यानी ये वो रीजंस थी जिनको मैं एज अ मैनेजर अवॉइड नहीं कर सकता था, तो उनकी भी एक लिस्ट बना ले। अब मैं पहले जी अवॉइडेबल की रीजंस, मशीन ब्रेकडाउन। मशीन ब्रेकडाउन का क्या मतलब है? मशीन चल रही थी, खराब हो गई और मैंने कहा कि अवॉइडेबल है। अब पहला सवाल तो ये आता है जी, मशीनरी कैसे अवॉइडेबल है? मशीन तो मशीन होती है, कभी भी खराब हो सकती है चलते चलते, तो ये कैसे मेरे कंट्रोल में है? सपोज करें शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके अंदर मशीन है, वो मशीन खराब हो गई। अब हुआ क्या? जब मशीन खराब हुई तो प्रोडक्शन रुक गई। जब प्रोडक्शन रुक गई
तो वर्कर आइडल हो गया। वर्कर क्या हो गया? आइडल। आइडल का मतलब है वो मौजूद है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा। जब वो आइडल हुआ उसने काम नहीं किया और मशीन सही हुई एक घंटे के बाद, तो एक घंटा उसने कुछ नहीं किया। अब वो जो एक घंटा उसने काम नहीं किया, अब मुझे शाम को उसको एक घंटा काम करवाना है। अब वो वर्कर कहेगा मेरी तो छुट्टी का टाइम हो गया, अभी 5 बज गए, तो मैं उसे कहूंगा तुम काम आज करो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक ऑर्डर एक्सपोर्ट करना है, मेरा माल बाहर जाना है, तो मुझे तो शर्ट्स चाहिए। मशीन खराब हुई है, वर्कर का कोई कसूर नहीं है। अब अवॉइडेबल ये किस सेंस में है? मैं टाइम पे मेंटेनेंस कराऊं, यानी अगर मशीन्स नहीं हो, प्रॉपर टाइम पे चेक एंड बैलेंस हो, तो आप कभी भी इस हालत को का सामना नहीं कर सकते। आप स्टूडेंट्स हैं, बाइक चलाते हैं सारे, अगर आप बाइक की प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएं, ऑयल चेंज करवाएं, तो वो आपको कभी भी रास्ते में जाते जाते खराब नहीं करती। जब भी खराब करती है, आपने उसकी कोई ना कोई लापरवाही जरूर की होती है। तो ये जो मशीनरी ब्रेक डाउन है, ये आपको पता है कि ये आपके कंट्रोल में हो सकता था। मशीन ब्रेक की, उसकी वजह से प्रोडक्शन डिले हुई, उस प्रोडक्शन डिले होने की वजह से ओवर टाइम करवाया, तो ये एक रीजन है ओवर टाइम की। लेकिन ये रीजन कंट्रोल की जा सकती थी, हम टाइमली उसकी मेंटेनेंस करते, ना मशीन खराब होती, ना ओवर टाइम की जरूरत पेश आती। सेकेंड, मटेरियल शॉर्टेज। हम शर्ट्स बना रहे थे, कपड़ा खत्म हो गया, मटेरियल शॉर्ट हुआ, वेट कर रहे हैं जी मटेरियल आएगा तो फिर प्रोडक्शन दोबारा शुरू करते हैं। तो भाई टाइम पे मंगवाते, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पिछला टॉपिक पढ़ के आए, कब मंगवाना है, कितना मंगवाना है, रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए ताकि स्टॉक आउट ना हो। तो आपने मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से मटेरियल शॉर्टेज हुआ, मटेरियल शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन रुक गई, और अब टाइमली ऑर्डर पूरा करने के लिए ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप लेट हो जाएंगे। तो मटेरियल शॉर्टेज, मशीनरी ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। लाइट चली गई, 2 घंटे लाइट चली गई, प्रोडक्शन रुकी रही। अब आप कहेंगे लाइट तो जो है वो लेस्को फेस्को या के इलेक्ट्रिक बंद करता है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आपके पास बैकअप फैसिलिटी नहीं थी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन ना रुके। अदरवाइज प्रोडक्शन रुक गई तो आपने डिले किया करना है ऑर्डर, तो डिले करना नहीं है, तो हमें ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। यानी मशीन खराब हो जाए, मटेरियल शॉर्टेज हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाए, कोई भी ऐसी रीजन जो आप कंट्रोल कर सकते थे वो आपने कंट्रोल नहीं की, जिसकी वजह से वो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ओवर टाइम कराना पड़ा। तो ये जो फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये अवॉइडेबल और कंट्रोलेबल रीजंस हैं ओवर टाइम की। इन तीनों सिनेरियोज में नॉर्मली वर्कर आइडल होता है, तो जितने टाइम के लिए वर्कर मौजूद होता है वो काम कुछ नहीं करता, लेकिन हम उसे पे करते हैं, उसे कहते हैं आइडल टाइम कॉस्ट। आइडल टाइम कॉस्ट क्या हुई? द कॉस्ट पेड टू अ वर्कर फॉर आइडल टाइम। और आइडल टाइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू आइडल आवर्स इनटू बेसिक रेट। क्योंकि वर्कर पता क्या कहता है कि भाई मेरा क्या कसूर था कि लाइट नहीं है, मैं तो आया हुआ हूं, मुझे पे करें आप,
तो जितने घंटे वो आइडल रहा होगा उसको हम पे करेंगे उस टाइम का भी और बेसिक रेट पे करेंगे। कभी भी आइडल टाइम को ज्यादा रेट पे नहीं करना। तो ये जो आइडल टाइम की कॉस्ट है ये आपको कैसे, एक अगर एमसीक्यू आ जाए किसी सवाल में डाटा दिया और कहे कि आइडल टाइम की कॉस्ट बता दे, तो आपने सिंपल उस सवाल में से आइडल आवर्स लेने हैं कि आइडल आवर्स कितने हैं और उसको आपने बेसिक रेट से ज़रब दे देना और ये आइडल टाइम की कॉस्ट है। ठीक है। अच्छा, ये जो आइडल टाइम की कॉस्ट है ना, ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम पेड टू डायरेक्ट वर्कर्स एंड इनडायरेक्ट वर्कर्स। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हमने आइडल टाइम की कॉस्ट को भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कह दिया। वजह क्या है कि ये वो खर्चा है जो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, तो बेशक ये डायरेक्ट वर्कर्स को पे हुआ है, इसकी ट्रीटमेंट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम पेड टू डायरेक्ट वर्कर्स इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो आपने याद रखना है कि आइडल टाइम की कॉस्ट बेशक हम डायरेक्ट वर्कर को पे करें या इनडायरेक्ट वर्कर को पे करें तो वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। और आइडल टाइम की कॉस्ट बनेगी कैसे, वो इन सूरतों में बन सकती है और उसकी कैलकुलेशन का तरीकाकार ये है, आइडल आवर्स इनटू बेसिक रेट। अच्छा, ये वो सारे रीजंस थे जो मेरे कंट्रोल में थे, इनके अलावा भी हैं। बुक आप पढ़ेंगे, रीजंस ऑफ ओवरटाइम हेडिंग होगी बुक के अंदर, उसमें आप अवॉइडेबल रीजंस पढ़ेंगे, और भी पॉइंट्स हैं लेकिन वो सिंपल है, वो आपको पढ़ के समझ आ जाएंगे। जो टेक्निकल थे, जो समझाने वाले थे, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे लिखे। अच्छा, अब हम उन रीजंस की बात करते हैं जो ऐसी रीजंस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं थी। मसलन आपको एक ऑर्डर आया, वो ऑर्डर आपने फर्स्ट जनवरी को डिलीवर करना था, फर्स्ट जनवरी को। आज हम सेकेंड जून पे हैं, यानी अभी 6 माह रहते हैं उस ऑर्डर को डिलीवर करने में। आप रूटीन से प्रोडक्शन करने लग गए, 3 माह गुजरने के बाद उस कस्टमर ने आपको कॉल की, उसने कहा जो सामान, जो मटीरियल, जो प्रोडक्ट्स आपने मुझे यकम जनवरी को देनी थी ना, वो आप मुझे यकम दिसंबर को दे दे, मुझे उनकी डिलीवरी जल्दी चाहिए। अब आप तो अपनी रूटीन से चल रहे थे, 3 माह आपने काम भी कर लिया, आपको पता था कि 6 माह में मैंने ये ऑर्डर पूरा करना है। अब 3 माह गुजरने के बाद उसने कहा महीना पहले डिलीवरी चाहिए। अगर आप अपनी रूटीन से चले तो आप कभी भी उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। अब आप कैसे उसे पूरा कर सकेंगे, आपको ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। अब ये अर्ली डिमांड जो है, क्या ये आपके कंट्रोल में था? नहीं, आपके क्लाइंट के कंट्रोल में था। तो इसका मतलब है अब जो ओवर टाइम कराना पड़ेगा ना, वो है अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से। ठीक है। इसी तरह एक क्लाइंट हो सकता है कि आपसे 100,000 यूनिट चाहता है, 1,00,000 यूनिट चाहिए, 2 महीने गुजरने के बाद कहता है मुझे 2,00,000 चाहिए, और चाहिए भी उसी यकम जनवरी को। तो अब आप उसे अगर 2,00,000 यूनिट देंगे तो कैसे देंगे, ओवर टाइम करवा के। तो इट मींस अनअवॉइडेबल रीजंस कौन सी होंगी, व्हेन ओवर टाइम इज वर्क्ड ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ अ कस्टमर और क्लाइंट। यानी जब स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे आपको ओवर टाइम करवाना पड़ा,
यानी स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर कैसे बन गई कि कस्टमर ने कहा मुझे ज्यादा यूनिट चाहिए या मुझे जल्दी यूनिट चाहिए, तो फिर आपके पास और कोई हल नहीं है, आपको ओवर टाइम कराना है। तो इस चीज को कहेंगे ओवर टाइम वर्क ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ आ कस्टमर, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे ओवर टाइम हुआ है ना, ये इस डेफिनेशन में फॉल करता है कि डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है विच इज अ डायरेक्ट एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम पेड टू डायरेक्ट वर्कर्स एंड इनडायरेक्ट वर्कर्स ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ अ कस्टमर। यानी जब भी आपने स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे ओवर टाइम करवाया तो उस ओवर टाइम की कॉस्ट, अब ये कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम का क्या मतलब है, बेसिक और प्रीमियम दोनों, यानी जो भी आपका ओवर टाइम हुआ वो बेशक डायरेक्ट वर्कर का है बेशक इनडायरेक्ट वर्कर का है, वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनेगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले रीजंस बताई थी ताकि आपको ये मीनिंग क्लियर हो जाए कि अवॉइडेबल का क्या मतलब है, अनअवॉइडेबल का क्या मतलब है। तो अगर आप अवॉइडेबल रीजन की वजह से ओवर टाइम कराएंगे तो जो भी आपको ओवर टाइम पे करना है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, एक तो हमने कहा जी उसमें से आइडल टाइम निकलेगा। अच्छा, एक पॉइंट और निकलेगा, ओवरटाइम प्रीमियम पेड टू डायरेक्ट वर्कर्स और ओवरटाइम वर्क ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। मैं इनको रिपीट कर देता हूं, डायरेक्ट को पहले रिपीट कर रहा हूं। एक तो ये है जी, जो कॉस्ट आपने डायरेक्ट वर्कर को आम हालात में पे की नॉर्मल कंडीशंस में, फिर दूसरी चीज अगर स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे ओवर टाइम कराना पड़ा तो जो भी ओवर टाइम की कॉस्ट होगी, जब मैं कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम की बात करता हूं तो उसके अंदर बेसिक और प्रीमियम दोनों आएगा, तो वो डायरेक्ट वर्कर का हो या इनडायरेक्ट का हो, दोनों की ट्रीटमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिसीजन है। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर में पहला पॉइंट तो सिंपल है, कॉस्ट पेड टू इनडायरेक्ट वर्कर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। दूसरा पॉइंट कहता है कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम पेड टू डायरेक्ट वर्कर्स एंड इनडायरेक्ट वर्कर्स, तो वो भी ठीक है कि आइडल टाइम जो होगा वो इधर आएगा। और ये जो थर्ड पॉइंट है, सिर्फ ये याद रखने वाला पॉइंट है कि जो ओवर टाइम हमने करवाया किस वजह से, अवॉइडेबल वजह से, ये वाली रीजंस की वजह से, इन रीजंस की वजह से अगर ओवर टाइम हुआ तो उस ओवर टाइम का बेसिक और प्रीमियम पे होना है। ओवर टाइम रेट में हमने बेसिक भी पे करना होता है और प्लस प्रीमियम भी पे करते हैं। ये जो बेसिक है ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनेगी और जो प्रीमियम है ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनेगी। इस सूरत में
जब आपका ओवर टाइम इन रीजंस की वजह से हुआ हो। तो ये मैंने यहां पे थर्ड पॉइंट लिखा है, ये किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू डायरेक्ट वर्कर्स फॉर द ओवर टाइम वर्कड फॉर अवॉइडेबल रीजंस इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स आ गए तो क्वेश्चन मसला नहीं है। अच्छा, एक सवाल के अंदर ये सारे पॉइंट्स नहीं देता, ये जो फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला लेवल है, इसमें एक ही सवाल के अंदर सारे पॉइंट्स नहीं देता। लेकिन मैं जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें ऐसा सवाल भी है जिसमें सारे पॉइंट्स है, तो मेरे वाली जो इलस्ट्रेशंस हैं ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एज कंपेयर टू बुक इलस्ट्रेशंस। तो अब मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूं जी। ये एक्टिविटी 12 पे आ गए। द अमाउंट ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम कंटेन्ड इन डायरेक्ट वर्कर्स वुड नॉर्मली बी क्लासिफाइड एज, कहता है जो ओवरटाइम का प्रीमियम है आम तौर पे वो क्या ट्रीट होता है, क्या वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है, क्या वो एफओएच का पार्ट बनता है, क्या वो डायरेक्ट लेबर है, क्या वो एडमिन कॉस्ट है। तो देखें, अभी मैं आपको समझा के आया हूं कि नॉर्मली जो ओवरटाइम वर्क होता है वो इन रीजंस की वजह से होता है, तो उनमें जो प्रीमियम है वो क्या ट्रीट होता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी ये जो सवाल था एक्टिविटी 12, ये फिर क्या आंसर बना इसका कि आम तौर पे जो डायरेक्ट वर्कर का ओवर टाइम होता है उसमें जो प्रीमियम पोर्शन है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनता है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। एक दो क्वेश्चंस आए हैं, मैं देख लूं जरा। जी, एक क्वेश्चन है कि जी फेलुअर और शटडाउन कॉस्ट, वो मैंने बता दिया, मशीन ब्रेकडाउन का दूसरा नाम जो है ना मशीन फेलुअर भी कह सकते हैं, शटडाउन कॉस्ट, स्ट्राइक हो जाती है सम टाइम, आपके वर्कर जो है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, वो कहते हैं हमने काम नहीं करना, तो वो भी अवॉइडेबल था। जो मशीन ब्रेकडाउन है, शटडाउन है, स्ट्राइक्स हैं, वो अवॉइडेबल है। अच्छा, अब स्ट्राइक कैसे अवॉइडेबल है, वर्कर स्ट्राइक क्यों करता है जब आप उसके साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट करते हैं, आप उसके राइट को मुतासर करते हैं, तो वो अल्टीमेटली फिर कहता है मैं स्ट्राइक करूंगा। तो आप उसके साथ निगोशिएट करें ताकि वो स्ट्राइक ना करें, तो आप निगोशिएट करेंगे तो आपके कंट्रोल में है वो। ठीक है जी, बुक पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई मसला हुआ तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, एक्टिविटी 12 हमने कर ली। एक्टिविटी 13, Which of the following would be classified as an indirect labor cost? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये मुझे इसका आंसर बताएं। ये हमने पहले भी किया हुआ है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में एमसीक्यू किया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहता है कौन सी बनेगी। जी शाबाश, बी ऑप्शन है कि जो स्टोर का असिस्टेंट है ना वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, बाकी तीनों डायरेक्ट है। एक्टिविटी 14, ऑन अ पर्टिकुलर डे इन अ फैक्ट्री, बेटा अब ये ना सवाल जरा ध्यान से सुनने हैं, कहता है खास दिन में वन ऑफ द मशीन वाज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 2.5 आवर्स, कहता है एक मशीन खराब होगी 2.5 घंटे के लिए। It was possible to reschedule work for most of the employees, but 3 employees had no work for 2 hours each. कहते हैं जब मशीन खराब हुई तो वर्कर जाहिर है फ्री हो गए, तो कहता है सबको मैंने कहीं ना कहीं काम पे लगा दिया सवाए 3 लोगों के, और वो 3 लोग 2 घंटे तक कुछ ना कर सके। इसका मतलब है आइडल आवर्स कितने बने, 3 लोग थे और वो 2 घंटे के लिए कुछ ना कर सके, तो 6 आवर्स आइडल हुए। 3 employees वर पेड ऑन आर्ली बेसिस फॉर द टाइम स्पेंट एट अ रेट 6 पर आवर, व्हाट इज द मशीन ब्रेकडाउन कॉस्ट। तो देखें 6 घंटे के लिए मशीन रुकी,
और हमने 6 डॉलर पर आर पे करना है, तो इट मींस मशीन खराब होने की वजह से हमें 36 डॉलर का नुकसान हुआ, और यही आपकी आइडल टाइम कॉस्ट है। इसमें हमने सिर्फ ये बताना था कि मशीन खराब होने की वजह से हमारी क्या कॉस्ट आई। तो देखें, मशीन टोटल 2.5 घंटे के लिए खराब हुई थी, और फैक्ट्री के अंदर पता नहीं 1000 वर्कर थे, हमने उन सब को कहीं ना कहीं लगा दिया, लेकिन 3 लोग ऐसे बचे कि वो 2 घंटे फ्री रहे। हर बंदा 2-2 घंटे फ्री रहा, 3 लोग सिर्फ। अगर सारे बंदे फ्री होते तो फिर वो कॉस्ट बननी थी, लेकिन इस सवाल में सिर्फ 3 लोग ऐसे बचे जिनको मैं कहीं और शिफ्ट ना कर सका। तो 3 × 2, 6 आवर्स के लिए वो वर्कर आइडल हो गए, और मैंने उन्हें बेसिक रेट पे करना है 6 पर आवर। तो 36 इज द कॉस्ट ऑफ मशीन ब्रेक डाउन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक सिंपल सा सवाल समझ आ गया होगा। एक्टिविटी 15, ये आया है जी सही सवाल, जिसके अंदर हमने क्या करना है, व्हाट इज द टोटल फॉर डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट। तो इसके अंदर हमने डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर बनानी है। तो ऐसा करते हैं, यहां पे साइड पे ही बनाने लग जाते हैं, जो जो पढ़ते जाएंगे, जो डायरेक्ट हुआ उसे डायरेक्ट लेबर की कॉलम में लिख देंगे, और जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हुई उसे इनडायरेक्ट में लिख देंगे। ठीक हो गया, चलें जी इसको करते हैं। सवाल पढ़ता हूं और फिर इसको साथ साथ करता जाऊंगा। डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स 1400 आवर्स एट द रेट ऑफ 6.4, डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स ओवर टाइम 300, और ओवर टाइम का रेट उसने खुद ही बता दिया। इसके इनडायरेक्ट वर्कर्स भी हैं, इनडायरेक्ट वर्कर्स का ओवर टाइम भी है। अब देखिएगा, ऑफ द आवर्स पेड टू डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स 40 ऑफ दीज वर आइडल टाइम आवर्स। कहते हैं जो मैंने डायरेक्ट वर्कर्स को पे किया उनमें से 40 घंटे आइडल हैं। तो आइडल की कॉस्ट किधर जाती है, इनडायरेक्ट में। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉर्मल वेजेस, इनकी डायरेक्ट वर्कर्स की। देखें 1400 घंटे उनको पे किया, लेकिन उनमें से 40 घंटे आइडल थे। तो आइडल हमें पता है इधर आना होता है, तो वो जो 40 घंटे की कॉस्ट है वो इधर आएगी, और उसका रेट क्या होगा, वो 6.4 है, और जो बाकी बचेगा उसको 6.4 से जरब दे के इधर लिखना। ये देखें रूल में आपको पढ़ा के आया था ना, कि जो आइडल टाइम की कॉस्ट है वो बेशक डायरेक्ट वर्कर को दी जाए वो इनडायरेक्ट ट्रीट होनी है। तो 40 × 6.4, तो 256 आपकी डायरेक्ट वर्कर की कॉस्ट थी, लेकिन वो इनडायरेक्ट में लिखी गई है, और 1400 टोटल थे जिनमें से 40 जो हैं वो आपके बने आइडल। तो आइडल उधर चला गया, तो बाकी बचा 1360। तो 1360 को जब आप 6.4 से जरब देंगे तो वो बनेगा 8704। अच्छा, डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स का ओवर टाइम, ओवर टाइम का जो बेसिक है 300 × 6.4, ये तो डायरेक्ट बनेगा। तो ये बना 1920, ये डायरेक्ट वर्कर्स का ओवर टाइम था 300 आवर्स का, लेकिन पेमेंट 9.4 की हो रही है। ये उनका टोटल रेट है जिसके अंदर प्रीमियम भी शामिल है। अब मैं आपको लास्ट पेज पे पढ़ा के आया हूं कि ये जो बेसिक रेट होता है ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनती है। ये देखें बेसिक रेट जो है वो किधर जाता है, डायरेक्ट लेबर में, और प्रीमियम कितना जाता है, इनडायरेक्ट लेबर में। तो वही रूल अप्लाई कर रहा हूं। तो बेसिक जो है वो 6.4 था, वो इधर आ गया, और जो ओवर टाइम प्रीमियम था
वो 300 घंटों का वो कितना बनेगा, 9.4 माइनस 6.4 तो 3 आया जी रेट। तो ये 900 जो है ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनी। स्क्रीन पे देखिएगा, मैं इसकी ट्रीटमेंट कर चुका हूं, इसकी ट्रीटमेंट कर चुका हूं। अब आगे आ गया इनडायरेक्ट वर्कर्स। तो इनडायरेक्ट वर्कर की कॉस्ट तो इनडायरेक्ट ही होती है, 500 घंटे काम किया 5.2 के हिसाब से, तो इनकी नॉर्मल वेजेस आ गई इनडायरेक्ट वर्कर्स की 500 एट द रेट ऑफ 5.2, 2600 बन गया। और इनडायरेक्ट वर्कर्स ने ओवर टाइम भी किया है 60, तो 60 × 8 वो इधर आ गए। इसका टोटल कर लें तो ये टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी, और इसका टोटल कर लें तो टोटल इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी 8704 प्लस 1920, तो ये बना 10,624। इसी तरह 256 प्लस 900 प्लस 2600 प्लस 480, तो 4236 आ गया। तो ये जी हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो सेपरेट सेपरेट कर। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि सर इसमें आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि ये जो ओवर टाइम हुआ था वो ओवर टाइम इन रीजंस की वजह से हुआ था, इनकी वजह से। इसलिए कि जब भी स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर की वजह से होगा ना ओवर टाइम, सवाल लिखेगा कि ये ओवर टाइम स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे है, तो सिर्फ उतने की ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से होनी है। तो अदरवाइज आम तौर पे जितना भी ओवर टाइम होता है वो नॉर्मल हालात के अंदर होगा, तो इसलिए मैंने उसको जो बेसिक है उसकी ट्रीटमेंट डायरेक्ट की, और जो प्रीमियम है उसकी ट्रीटमेंट मैंने इनडायरेक्ट की। तो ये जी इसका आंसर आ गया एक्टिविटी 15 का। एक्टिविटी 16, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बतानी है हमने, 17 में भी ऐसे ही है। तो मैं आपको 17 करवाऊंगा, क्योंकि 17 के अंदर ना स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर भी आ गया। तो 16 आप खुद करेंगे, 17 मैं करवाता हूं जी। 17 की रीडिंग करता हूं, ये आखिरी एक्टिविटी होगी आज की। द लेबर कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर अ वीक गिवन बिलो। डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर 1600 घंटे एट द रेट दिस, डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर ओवर टाइम, इनडायरेक्ट वर्कर्स इनडायरेक्ट वर्कर्स ओवर टाइम। ऑफ द टोटल ओवर टाइम ऑफ 500 ऑफ द टोटल ओवर टाइम ऑफ 500, कहता है ये जो 500 का ओवर टाइम है इसमें से 150 आवर्स वर स्पेंड ऑन मेकिंग अ प्रोडक्ट अर्लियर ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। यानी ये जो 500 घंटे का ओवर टाइम है इसमें से 150 घंटे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे काम किया। इसका मतलब है इन 150 घंटे का जो प्रीमियम होगा ना वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनेगा। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बतानी है, तो मैं उसी तरीके से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन पहले करता हूं। नॉर्मल वेजेस, तो नॉर्मल वेजेस इनकी बनेंगी जी 1600। अच्छा, इसमें आइडल टाइम तो नहीं है कुछ, इसमें आइडल टाइम नहीं है, माइनस कुछ नहीं हुआ, आइडल कुछ नहीं है, जबकि पिछली इलस्ट्रेशन में उसने स्पेसिफिकली बताया हुआ था कि आइडल है। तो इसका रेट है 6.4,
तो नॉर्मल वेजेस जो हैं वो हम यहाँ पे इसकी फाइंड कर लेंगे, 1600 इंटू 6.4 10,240। नॉर्मल ओवर टाइम बेसिक 500 घंटे ओवर टाइम था जिसमें से 150 स्पेशल रिक्वेस्ट है, तो इसका मतलब है बाकी बचा 350, तो उसको 6.4 से जरब दे दें। ये बन गया जो स्पेशल ओवर टाइम था 150 घंटों का, उसका बेसिक और प्रीमियम दोनों डायरेक्ट है, तो उसका बेसिक और प्रीमियम किस रेट पे था, 9.4 पे, तो 150 इंटू 9.4 1410 बनेगा जी। क्योंकि ये स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे है तो बेसिक और प्रीमियम दोनों डायरेक्ट कॉस्ट बने, तो डायरेक्ट का आंसर तो बस इनका सम ही है, तो इनमें ये ऐड कर लेते हैं 13,890। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आइडल टाइम की कॉस्ट आनी होती है जो कि इस सवाल में नहीं है, तो वो जीरो हो गई। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट वर्कर्स हैं उनका जो ओवर टाइम है उसका प्रीमियम आना होता है इधर, कौन से वाला प्रीमियम, जो नॉर्मल वाला था, तो 350 आवर्स थे जिनका बेसिक डायरेक्ट में ट्रीट हो गया, उनका प्रीमियम इधर आएगा और प्रीमियम 3 बनता है। कैसे बनता है, 9.4 माइनस 6.4, तो बेसिक और ओवरटाइम रेट का जो डिफरेंस होता है वो प्रीमियम होता है, कल फार्मूला लिखवाया था। तो 350 इंटू 3 किया तो ये बना जी 1050। अच्छा, इनडायरेक्ट वर्कर्स ने 700 आवर्स काम किया एट द रेट 5.2, तो वो भी इधर आना है। अच्छा, इनडायरेक्ट वर्कर्स ने ओवर टाइम भी किया है और जो ओवर टाइम है उनकी कॉस्ट कितनी है, 100 आवर्स ओवर टाइम है एट द रेट 8 पर आवर, तो 100 इंटू 800 ये हो गया। और देखें सवाल खत्म हो गया, और कुछ है ही नहीं, हमने हर ट्रांजेक्शन को यहां पे शो करा लिया, तो ये बना 1050 प्लस 3640 प्लस 800, तो 5490। तो ये जी इनडायरेक्ट का टोटल आ गया और ये डायरेक्ट का टोटल आ गया। अब आप ऐसा करें कि अगर आपका कोई सवाल है तो वो मुझे बताएं, मैं उसका जवाब देता हूं। कोई कॉन्सेप्ट में कोई मसला है तो वो डिस्कस कर लें। तो आपने आज करना क्या है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है और एक्टिविटी नंबर 17 तक करना है, 18, 19, 20 को नहीं करना, वो चीजें अभी हमने डिस्कस करनी है। 17 एक्टिविटीज मैंने आपको करवाई हैं और एक कॉन्सेप्ट दिया है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी। जी मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी है कि जो अनकंट्रोलेबल ओवर टाइम है, हमने वर्कर को पे तो बेसिक और प्रीमियम दोनों करने हैं, जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में देखें
ये जो 350 आवर्स है उसका हमने बेसिक भी पे किया है और हमने प्रीमियम भी पे किया है। ये देखें, ये बेसिक है, ये बेसिक है उन 350 आवर्स का, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट बना, और ये प्रीमियम है उन 350 आवर्स का, प्रीमियम है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बना। तो यही एक पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया था कि अगर आम हालात में ओवर टाइम किया जाए तो डायरेक्ट वर्कर्स का जो बेसिक होता है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि वो डायरेक्ट वर्कर्स को पे हुआ इसलिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और प्रीमियम इनडायरेक्ट इसलिए है कि ये वो खर्चा है जो मेरी अवॉइडेबल रीजंस की वजह से था, मैंने अपने तौर पे ये करवा लिया, मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर नहीं थी, इसलिए ये जो प्रीमियम है ये ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। तो हम पे तो उसे पूरा कर रहे हैं, हमने उसे पेमेंट 9.4 की, लेकिन 9.4 में से 6.4 हमने वर्क इन प्रोसेस में चार्ज किया, क्योंकि ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये कहाँ पे जाती है? वर्क इन प्रोसेस में, और जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो FOH में जाती है। तो हमने उसको पेमेंट पूरी की है। मसलन अगर आपसे पूछा जाता कि इस वर्कर की ग्रॉस वेजेस बताएं, तो उसको पेमेंट पूरी हुई है, उस वर्कर को पेमेंट पूरी हुई है। ये जो सेग्रीगेशन हुई है, इधर उधर ट्रांसफर की है, ये हमारी एंट्री है, ये हमारे अपने इंटरनल मैटर्स के लिए एंट्री है, अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए इसकी एंट्री है, तो पेमेंट हम पूरी कर रहे होंगे। तो ग्रॉस वेजेस अगर पूछी जाती तो ग्रॉस वेजेस उसकी उसी तरह आनी थी, के 1600 घंटों की पेमेंट हुई है 240 बना, और जो ओवरटाइम हुआ, ओवरटाइम हुआ 500 का, और 500 पे रेट लगेगा 9.4, तो ये पेमेंट बनेगी और ये डायरेक्ट वर्कर्स की ग्रॉस वेजेस है, यानी पेमेंट हम उन्हें पूरी कर रहे होंगे, सिर्फ ये हम अपने लिए एंट्री डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। इसका बना लेते कितना बनता है, मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 500 इंटू 9.4 तो ये 4700 बनेगा, 4700 कैसे है? ये 2240 इसको इसको और इसको ऐड करें, इनको पिक वालों को ऐड करेंगे तो 47 ही होगा, प्लस 10,240, तो ये बना जी 14,000। अच्छा, इनका अगर हम टोटल करें 14,940 और 4,400, इनका जो टोटल बनेगा वो 19,380 बनता है। और अगर हम इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टोटल करें तो ये 19,380 बन गया। तो देखिए, पेमेंट हम उतनी कर रहे हैं उनको, लेकिन हमने अपने लिए डेबिट क्रेडिट करते हुए उनके, तो मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। तो आज आपने सिंपली इतना देखना है,
कि आपने किस तरीके से इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो आप बुक से देख सकते हैं, ये इसने शुरू ही यहां से किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस करने हैं, लाइक बोनस पेमेंट, वो मैंने बोनस अभी डिस्कस नहीं किया। तो जितनी चीजें मैंने डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ जाएंगी, जो रहती हैं वो सारी होंगी। तो इसी तरह ये ओवर टाइम प्रीमियम वाली इलस्ट्रेशन ये कुछ लोगों ने कल कर भी ली थी, और ये देखें ये डायरेक्ट लेबर में क्या जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर में क्या जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन 1 इसी चीज की थी। तो आपने इस चीज को जो मैंने आपको आज करवाया, ये मेन उसका स्केच है, जो रूल है इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो कौन सी चीजें आती हैं और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कौन सी चीजें आती हैं। ये 3 पॉइंट जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनको बस याद कर लें, बहुत आसान सी चीज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये उसी पेज की समरी है। और इसी तरह ये रीजंस ऑफ ओवर टाइम, और ये मैंने स्केच जो दिया है ये ही आपका है मेन। और आपने 1 से लेके 17 तक की एक्टिविटीज को सबको करना है, ठीक है जी। आज की क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर इससे ऑनवर्ड स्टार्ट करें।